हेलो एवरीवन, आज मैं क्रिस्पी आलू पोहा कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स यूज होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कटलेट बनाते समय जब हम कटलेट तलते हैं तो हमारे कटलेट फट जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स का यूज करूँगी जिससे कटलेट फटेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसको बनाने के लिए यूज में आने वाली मुख्य सामग्री इस प्रकार है। 6 मीडियम साइज के आलू जो पहले से बॉईल किए हुए हैं, पोहा 100 ग्राम, बारीक कटी प्याज मीडियम साइज की, ग्रीन मटर, तलने के लिए तेल, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और हरी मिर्च। अब आलू को मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करना है। अब पोहे को ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेंगे। हमें पोहा भिगोना नहीं है, ऐसे सूखे पोहे को ही ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये हमारा पोहे का पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम इसको मैश किए हुए आलू में मिक्स कर देंगे। इसमें हरी मटर, कटी हुई प्याज, लाल मिर्च पाउडर, वन फोर चम्मच अमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और वन फोर चम्मच गरम मसाला पाउडर और ग्रीन चिली। हम ग्रीन चिली अवॉइड भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम हाथ से लोई बनाकर उसको कटलेट का शेप देंगे। इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं या ओवल शेप में भी बना सकते हैं। ये कटलेट बन गया। इसी तरह हम दूसरा कटलेट भी बना लेंगे। जब सारे कटलेट बन जाएं, शेप्स दे दें, तो तलने से पहले कटलेट्स को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे जब हम कटलेट तलेंगे तो वो फटेंगे नहीं। अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। इसे निकालने के बाद एक एक करके कटलेट को गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल ठीक तरह से गरम होना चाहिए
तीन से चार मिनट पकने के बाद ही कटलेट को पलटना शुरू करेंगे। अगर हम शुरू में ही कटलेट पलटना शुरू कर देते हैं तो कटलेट फटने लगते हैं, इसलिए उसको गर्म तेल में थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, उसके बाद ही उसको पलटना शुरू करें। अब स्लो गैस पे कटलेट को गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे पलटते हुए सेकेंगे। कटलेट को बहुत हल्के हाथ से पलटना है। कटलेट गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और ये क्रिस्पी कटलेट तैयार है। कटलेट्स को ग्रीन चटनी, सॉस या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।